पिछले करीब डेढ़ दशक से सिरोही में कांग्रेस के संयम लोढ़ा गुट और नीरज डांगी गुट आपस में टकराहट के लिए मशहूर रहे, लेकिन आज जब राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीरज डांगी सिरोही लौटे तो संयम लोढ़ा गुट और नीरज डांगी गुट आपस में एकजुट दिखाई दिए और इस एकजुटता को लेकर वो लोग कितने प्रतिबद्ध हैं, इसको लेकर सदगुरु गुरुजी ने कुछ सवाल पूछे, तो आइए जानते हैं दोनों ने इस संबंध में क्या कहा। डेढ़ दशक से सिरोही कवर कर रहे हैं हम लोग, आज तक कांग्रेस में सिरोही जो है संयम लोढ़ा गुट और नीरज डांगी गुट के विवादों के नाम से कांग्रेस चर्चित रही। ऐसा कौन सा एडेसिव है जिसने इन दोनों गुटों को मिला दिया, दोनों नेताओं को मिला दिया, और भविष्य में इस भाईपा या जो मेल मिलाप है इसका भविष्य कितना लंबा तक माना जाए? एडेसिव दिख रहा है सबको, राज्यसभा का चुनाव हुआ, केंद्र नेतृत्व है, एडेसिव ही है, सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी है, वो एडेसिव जिन्होंने जो है छोटा मोटा मनमुटाव था, कोई हमारी जाति दुश्मनी नहीं थी, व्यक्तिगत दुश्मनी कभी नहीं रही है, अपना अपना सिद्धांत रहा, अपनी अपनी बात रही, अपनी अपनी बात को अपने तरीके से हम लोगों ने दोनों ने उठाने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि अब मिलकर के हम लोग काम करेंगे आने वाले वक्त में, और बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पर आने वाले समय में प्रदर्शन रहेगा पार्टी का भी और क्षेत्र की जनता के विकास के लिए। सर एक किस तरह का संदेश आप अपने समर्थकों को देना चाहेंगे कि भविष्य की घटना जब अतीत की घटना है भविष्य में ना घटे? देखिए इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि एकजुटता का जब परिचय राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिला, पूरे राजस्थान के अंदर कार्यकर्ता ने भी देखा, पदाधिकारियों ने भी देखा, जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के हैं समर्थन में जो निर्दलीय विधायक थे उन तमाम साथियों ने देखा कि एकजुटता जो है वो अच्छे परिणाम लाती है। सरकार अस्थिर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, बहुत से प्रलोभन दिए, पैसे का लालच दिया, पद का लालच दिया, मंत्रालयों का लालच मिला, लेकिन उन लालच को दूर रखते हुए हमारे तमाम इन साथियों ने, कांग्रेस के साथियों ने भी और हमारे सब समर्थक जो विधायक हैं उन्होंने भी इस लालच में न पड़ के, कांग्रेस के कुछ लोग चले गए थे उधर, वो लोग भी उस लालच को छोड़ करके उन्हें लौटे और एकजुटता का परिचय दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ के क्षेत्र के तमाम साथियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि एकजुटता से निश्चित रूप से जो है परिणाम सामने आते हैं। एकजुटता नहीं रहेगी तो नुकसान पार्टी को भी होगा, क्षेत्र को भी होगा, और व्यक्तिगत रूप से उनको खुद को भी होगा, उनके परिवार को भी होगा, उनके गाँव को भी होगा।